What are carnivores plant, right? And how do animals get their food? We'll also read about the food chain and food web present in our ecosystem. All right. So since हम पढ़ने वाले अभी plants और animals के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि उनका source क्या है, right? वो कैसे अपना खाना बनाते हैं. So like humans, plants and animals also need food for energy.

है ना एनिमल्स हो गए प्लांट्स हो गए सबको क्या है ये क्या आ जाते हैं किस में आते हैं ये लोग सब लिविंग में राइट right? सिंस जो भी चीज लिविंग होती, हो, होती है उसको क्या चाहिए होती है एनर्जी चाहिए होती है सस्टेन करने के लिए राइट right? तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कोई तो सोर्स होना चाहिए एनर्जी का सोर्स होना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं फूड बोलते हैं राइट right? अब हम देखते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स कैसे अपना फूड कंज्यूम कैसे उनका एनर्जी सोर्स क्या है कहाँ से वो एनर्जी लेते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट्स राइट प्लांट्स डिफरेंट टाइप के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे सीरल्स हो गए पल्स वेजिटेबल्स ये सब हमें देते हैं राइट right? तो जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या कर रहे हैं दे रहे हैं दैट इज वाई दे आर द गिवर दे आर द गिवर एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स आपने कभी देखा है कि प्लांट कुछ कंज्यूम कर रहा है एनिमल्स कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं बट प्लांट कभी कंज्यूम करते हैं क्या

प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स बिकॉज ऑफ प्लांट कॉल्ड क्लोरोफिल ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड अब देखो प्लांट्स के पास कहाँ से आ रहा है उनके पास कहाँ से आ रहा है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की वजह से वो अपना क्या बोलते हैं खाना खुद बनाते रहते हैं दिस कीप ऑन प्रोड्यूसिंग राइट तो क्या तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट ओके अब देखो इन तीनों चीजों की अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो सनलाइट क्या हमेशा अवेलेबल है येस अवेलेबल है डे और नाइट में डिफरेंस आ जाता है डे में अवेलेबल होती है नाइट में नहीं होती बट सनलाइट में हमें कोई कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल है राइट सन से हमें हमेशा मिल रही है इफ़ यू टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या अवेलेबल है येस yes, क्योंकि एनिमल्स हैं ह्यूमन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या रिलीज करते हैं एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ओके अब वाटर क्या अवेलेबल होता है क्या हमेशा वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वाटर प्रेजेंट है एयर में ठीक है वाटर कहाँ प्रेजेंट है लैंड में ठीक है तो अगर जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको वाटर एयर से भी मिल रहा है लैंड से भी मिल रहा है तो जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या है कॉन्टिन्यूसली फुलफिल हो पाती है और जब उनके पास एक कॉन्टिन्यूस सोर्स है इन तीनों चीजों का तो क्या करेंगे हमेशा एनर्जी बनाते रहेंगे एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ठीक है सबसे पहले खाना बनाने वाले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का खाना बना सकते हैं सो दे हैव आपने देखा होगा उनके पास ग्रीन लीव्स होती हैं ठीक है ग्रीन लीव्स में क्या प्रेजेंट है क्लोरोफिल यही है जो उसको ग्रीन पिगमेंट देता है ग्रीन कलर देता है एंड दैट इज वाई दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड The root of plant absorb water and salts from the soil. The stem transport it to the leaves. Leaves take carbon dioxide from the air. The energy needed to make food is taken from sunlight. The leaves combine the energy of sunlight with carbon dioxide and water to make food. This process is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. This plant food ज काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड स्टार्च वेन प्लांट मेक फूड दे गिव आउट ऑक्सीजन द प्रोसेस कैन बी रिटर्न एज फोटोसिंथेसिस तो अब देखो यह तीन चीजों की बात की तो फोटो सिंथेसिस हमने देखा कि फोटो सिंथेसिस कैसे हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड बनाने में अब देखो ये रूट्स होते हैं रूट से क्या लेगा प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है वॉटर एब्जॉर्ब करेगा मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा ये जो इसके और ये ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहां तक आ जाते हैं लीव्स तक आ जाते हैं राइट तो अगर हमें बात की जाए वाटर की तो वाटर तो पहुंच गया लीव्स तक पहुंच गया अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड कहा प्रेजेंट होती है वाटर में नहीं कहां प्रेजेंट होती है एयर में प्रेजेंट होती है ठीक है जो भी ह्यूम हैं कहा सब रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन मतलब एयर में रिलीज कर रहे हैं अब जो ये लीव्स हैं यहाँ से क्या होता है बाहर से सीओ टू लीवस में आ जाती है ठीक है तो सीओ टू का भी क्या हो गया फुलफिलमेंट हो गया अब बात हुई किसकी सनलाइट की सनलाइट तो इजीली अवेलेबल है ही तो जब तीनों चीजें जो होती है ये कहाँ पे रिएक्शन होता है लीव्स पे होता है राइट ये तीनों चीजें जब हो रही होती है तो इसको क्या बोलते हैं इनका कॉम्बिनेशन को फोटो सिंथेसिस राइट फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर सिंथेसिस मतलब बनाना राइट right? इन तीनों चीजों को बना के जो बनता है उसको क्या बोल रहे हैं हम शुगर बनता है राइट एंड इट इज कॉल्ड स्टार्च सो दिस होल प्रोसेस कैन बी सीन इन अ इन अ दिस रिएक्शन मैनर सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स दैट इज वाटर ओके इन द प्रेजेंस ऑफ कहां पे हो रहा है क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट है लीफ में राइट right? और सन की एनर्जी भी यूज हो रही है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है Starch and this is the food, right? With the release of oxygen. Very important. Here, release hai? oxygen. Hum bolte kya? plants oxygen, hume, right? Now let's move to the next page. Green leaves are called the food factory or a kitchen of a plant. Plant use part of food they make for themselves. They store the rest as extra food in leaves, fruits, roots, stems, and seeds. स एंड एनिमल्स ईट देयर स्टोर फूड अब देखो ग्रीन लीव जो होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है फूड फैक्ट्री या फिर किचन राइट right? अभी हमने देखा फोटोसिथेसिस कहाँ पे फूड right? बन रहा है अब जो प्लांट्स है जब अपना खाना ऐसे बनाते हैं ग्रीन लीव में तो क्या करते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं एंड दिस इज द रीजन वी कंज्यूम डिफरेंट फूड फूड सेक्शंस फॉर एग्जांपल हम प्लांट का क्या क्या कंज्यूम करते हैं जैसे हम रूट्स कंज्यूम करते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा हम स्वीट पोटैटो कंज्यूम करते हैं जैसे स्टेम्स भी कंज्यूम करते हैं राइट हम सीड कंज्यूम करते हैं लीव्स कंज्यूम करते हैं तो ये सब क्या एग्जाम्पल कि प्लांट ने अपना जो एनर्जी था जो स्टार्च था वो इन डिफरेंट जगह पर क्या किया हुआ है स्टोर किया हुआ है नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कार्निवोर प्लांट्स राइट अब कार्निवोर प्लांट्स क्या होते हैं राइट सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर कार्निवोर्स सम कार्निवोर प्लांट्स आर टॉल एंड स्टाउट सम आर वाइन्स अदर्स आर थिन एंड डेलिकेट दीज प्लांट्स आर फाउंड इन ऑल शेप्स साइजेस कलर्स एंड स्मेल्स दिट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड ईट स्मॉल लिविंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज गैंड्स मोथ्स स्पाइडर्स एंड फ्रॉग्स अब देखो कार्निवोर्स क्या मतलब होता है कार्निवोड्स का ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं अपना फूड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं राइट अब प्लांट्स कार्निवोर्स कैसे हो सकते हैं ओके दिस इज अ क्वेश्चन तो ऐसे भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं जो क्या इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं इंसेक्ट्स को अपना खाना बनाते हैं और उनके लिए एनर्जी सोर्स कौन होता है फिर इंसेक्ट्स होते हैं राइट इंसेक्ट्स होते हैं तो कार्निवोर्स प्लांट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है स्मेल्स डिफरेंट होती है राइट कोई थिन होते हैं आप यहाँ पे भी शेप से देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी शेप कैसे है बिल्कुल ऐसे लाइक अ पॉट और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही अलग है ठीक है यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है तो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और ये लोग क्या कंज्यूम करते हैं जैसे फ्लाइज हैं नैट्स मोत्स स्पाइडर्स फ्रॉक्स ये छोटे इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं राइट एग्जाम्पल क्या है जैसे पिक्चर प्लांट राइट वीनस and एंड plant. पिक्चर प्लांट में क्या होता है ये क्या है मॉडिफाइड लीव्स है ये है तो leaves बट मॉडिफिकेशन है उनका और इनका लिड ओपन होता है जैसे कोई इंसेक्ट आया इसके अंदर जाएगा और वो लिड क्लोज हो जाता है सो दिस इज हाउ दे कैप्चर देयर प्री वहीं पे वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है वो अपने हमेशा क्या करते हैं ऐसे लीव्स को ओपन रखते हैं और जैसे कोई इंसेक्ट आता है वो ऐसे क्लोज हो जाता है So this is how they capture. Again, sundew plant has a sticky leaves, right? Sticky leaves se kya hoga? Insect aayega aur wo nahi Carnivore plants are also called insectivorous plant. Why? Because they consume insects, right? They perform photosynthesis like other plants. These plants grow in regions like swamps and rainforest where the soil is poor in nutrients and nitrogen. एज द एवेलेबल न्यूट्रिय आर इनसफिशियंट फॉर देम दे इट इन सेक्स टू गेट न्यूट्रीश अब देखो ये प्लांट्स भी हमें ग्रीन नजर आ रहे हैं राइट तो इसका मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस तो करते ही होंगे जैसे एक नॉर्मल प्लांट ने किया मगर होता क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं एक ऐसे स्वैम्स या रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में ग्रो करते हैं और ऐसे रीजन्स में क्या होता है जो न्यूट्रिय होता है सॉइल में वो क्या होता है थोड़ा पुअर होता है और नाइट्रोजन में भी थोड़ा कमी होती है जिसकी वजह से अगर उसका पूरे जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे नहीं हो पाते इसकी वजह से उसने किस में कि मॉडिफाई किया अपने आप को एज अ इंसेक्टिव और प्लांट में मॉडिफाई किया ताकि उसका न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके डू यू नो दैट पाइज एम सन रूज इन ऑस्ट्रेलिया आर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कार्निवोर प्लांट राइट सबसे छोटे कहाँ पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ऑल राइट नॉ लेट्स डो एन एक्टिविटी सेलेक्ट एन इंसेक्टिव प्लांट फाइंड आउट इट्स शेप साइज कलर वेर इट इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इट इज इट ग्रोज एंड हाउ इट ट्रैप्स एंड ईट इन्सेक्ट्स कलेक्ट पिक्चर ऑफ द प्लांट एंड मेक इट एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट तो अभी जो भी हमने बात की एक इंसेक्टिवॉच प्लांट के बारे में वही आपने इस एक्टिविटी में करना है राइट right? उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपने नोट डाउन करना है और समझना है नाउ नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन दैट हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड अभी हमने प्लांट की बात कर ली अब हम देखते हैं कि एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं सो एनिमल्स आर आर कॉल्ड कंज्यूमर्स प्लांट्स को हमने क्या बोला था प्रोड्यूसर्स अब जो प्रोड्यूस कर रहा है अब कोई कंज्यूम भी करेगा सो एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स दे केन नॉट मेक देयर ओन फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड और राइट तो एनिमल्स को क्या बोला जाए कंज्यूमर क्योंकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इधर वी आर कंज्यूमिंग वॉट द प्लांट प्रोडक्ट्स राइट दैट इज डायरेक्ट कंजम्पन या फिर इनडिर हम कैसे फूड को प्लांट्स uh, को कंज्यूम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमल्स को भी गाते हैं या हम लेट्स हनी कंज्यूम कर रहे हैं डेरी प्रोडक्ट को भी कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर काव है ठीक है अगर हम उसका मिल्क कंज्यूम करते हैं तो काव भी कैसे क्या कंज्यूम करती है कंज्यूम तो वो प्लांट ही करती है इसीलिए क्या बोला गया इनडायरेक्टली ठीक है तो इनडायरेक्टली हम क्या है हम कैसे अपना फूड ले रहे हैं प्लांट के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज सो वन इज हर वोर राइट हर वोर फीड ऑन प्लांट्स एनिमल्स लाइक गाव गोट हॉर्स जिराफ एक्सेट्रा कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड अब ऐसे एनिमल्स जो कंप्लीट मतलब ये डायरेक्ट अब यहाँ पे आप देखो कि डायरेक्ट कंजम्पशन है ठीक है प्लांट प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट कंजम्पशन जब होगा उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है हरबीवोर राइट right? जैसे काव गोट क्या है डायरेक्टली ग्रास खाते हैं और राइट ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट कम्स दी कार्निवोर्स सो कार्निवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल लाइक लायन टाइगर एलिगेटर ईगल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स सो कार्निवर्स क्या कर रहे हैं फ्लैश खा रहे हैं किसी दूसरे एनिमल का और राइट नेक्स्ट कम्स दी ऑमनिवर सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स बियर कैट डॉग एंड ह्यूमैन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑमनिवोर अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स दोनों कंज्यूम कर रहे हैं राइट right? डायरेक्टली भी प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी ऐसे को हम क्या बोलते हैं ओमनीवोर्स राइट इसी कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं नाउ कम्स सो देर आर सम एनिमल्स दैट डिराइव फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डीकम्पोज द डीकेंग मैक्टर टू ऑप्टेन देयर फूड दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स अर्थ वॉर्म बैक्टीरिया एंड फनजाई आर सम डीकम्पोजर्स अब देखो डीकम्पोजर्स क्या है इसका मतलब क्या होता है कि जो डीकम्पोज करते हैं डीकेंग प्लांट और एनिमल्स का जो भी मैटर है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीफ है वो ज़मीन पे गिर गई तो अब वो क्या करने लगती है डीके करने लगती है तो डीकम्पोजर्स कौन होते हैं जैसे अर्थवॉम है बैक्टीरिया वायरसेस ये सब क्या करते हैं उस डीकेंग मैटर पे उस ड्राई लीफ को अटैक करेंगे और उसको अपना फूड सोर्स uh, उसके उनके इनके लिए क्या है वो फूड सोर्स है राइट सो दीज आर डी कम्पोजर्स नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज

यहाँ पे क्या हो रहा है वो डेड एनिमल्स में बरे हुए एनिमल्स पे फीड करते हैं राइट सो दे आर कॉल्ड स्कैंजर्स राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फूड चेन अब हमने डिफरेंट एनिमल्स देखा हर कोई कुछ ना कुछ खा रहा है कोई एनिमल्स को खा रहा है कोई प्लांट्स को, को खा रहा है कोई दोनों कंज्यूम कर रहा है सो so, अब ये सारे एनिमल्स एक दूसरे से भी अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो इंटरेक्ट करते हैं ठीक है एक ही जगह पे रहते हैं को करते हैं वहीं पे हम देखते हैं फूड चेन क्या होता है

हर्बी वोट्स भी है वहाँ पे कार्नि वोट्स भी है स्केवेंजर्स भी है डीकम्पोजर्स भी है तो जब एक दूसरे पे लोग डिपेंड करते हैं राइट right? तो एक चेन बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं फूड चेन लेट से फॉर एग्जांपल प्लांट है ठीक है थीके? जो प्रोड्यूसर्स है अब प्लांट को कौन खा रहा है प्लांट को गोट खा रहा है ठीक है और गोट को कौन खाता है लायन खाता है ठीक है राइट अब यहाँ से क्या हुआ प्लांट को क्या प्लांट के जो लीव्स नीचे गिर गए उनको कौन खाते हैं उनको डिकम्पोजर्स खाते हैं राइट तो यहां पे आपने देखा कि ये क्या बन गया एक चेन बन गई सो दिस इज अ फूड चेन राइट दे आर फैसिनेटिंग फूड चेन इन डिफरेंट हैबिटेट्स, फॉरेस्ट ओशंस, माउंटेन्स ग्रास लैंड एंड डेजर्ट्स। मोस्ट ऑफ द फूड चेन बिगिन विद प्लांट ग्रासली ग्रासेस लीवस एंड एल्गी विच आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ फाइटो प्लाकेटिन इज द प्रोड्यूसर इन वाटर अब देखो मैंने भी इस ये एग्जाम्पल जब दिया फूड चेन का तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया प्लांट से प्रोड्यूसर से कोई तो प्रोड्यूस करेगा ना एनर्जी तभी तो वो एनर्जी क्या है आगे आगे तक पहुंचेगी राइट right? तो यहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट है ओशन है अब ओशन में स्टार्टिंग पॉइंट कोई और हो सकता है यहाँ पे गोट और लाइन तो नहीं आएंगी राइट माउंटेन्स में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होंगे राइट डेजर्ट में अलग होंगे तो दिस इज द वे फूड चेन वर्क्स फाइटर प्लानकेट्स होते हैं कहाँ पे वाटर में प्रोड्यूसर्स हर ईट प्रोड्यूसर्स टू गेट एनर्जी दे आर द फर्स्ट कंज्यूमर्स एज दे आर दे आर द फर्स्ट इन द फूड चेन टू कंज्यूम फूड दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स सम अदर एनिमल्स ईट दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स टू गेट एनर्जी दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स अब देखो प्लांट क्या थे प्रोड्यूसर्स थे देवर प्रोड्यूसिंग अब गोट ने खाया प्लांट को तो क्या हुए वो कंज्यूमर बन गए सबसे पहले खाया तो प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी अब गोट के बाद लायन ने खा लिया गोट को तो ये कौन हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स राइट ये एक चेन की तरह से चलता रहता है नाउ कम्स दूड वेब अभी तो हमने चेन पढ़ा अब यही सारी जब चेन एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है तो वो क्या बनाती है वेब वेब का कहां पे हमने नाम सुना है स्पाइडर में हम देखते हैं ना वेब ऐसे वेब का मतलब क्या होता है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है राइट इंटरमिंगलिंग ऑफ सेवरल फूड चेन्स फॉर्म्स ऑफ फूड वेब इन अ फूड वेब देर आर सेवरल इंटर डिपेंडेंट एंड कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स दैट लुक्स लाइक अ वेब राइट नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड दिस इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड लिव टूगैदर अब देखो यहाँ पे क्या है एक दूसरे से सब इंटरेक्ट कर रहे हैं कोई किसी को खा रहा है कोई किसी के लिए प्रोड्यूसर है कोई कंज्यूमर है तो जब ऐसे एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं फूड वेब ठीक है नो लेट्स डू एन एक्टिविटी लुक एट दिस फूड चेन एंड आंसर वट वुड हैपन इफ द नंबर ऑफ द फॉलोइंग गोज डाउन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रास हॉपर का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो क्या चेंजेस आएंगे यू हैव टू राइट हेयर अगर फ्रॉक का नंबर यहाँ पे अगर कम हो जाता है तो क्या होगा स्नेक अगर ये अब कम हो जाते हैं तो क्या होगा राइट right? Now, let's summarize this chapter and see what we have learned so far. So, the food making process in plants uh, is called photosynthesis. Some plants are carnivores, they are called insectivore plants. Humans and animals depend on the plant for their food requirement. Plants are producers, while all other living beings are consumers. The relationship of eating food and being eaten as a food is expressed in food chain. Intermingling of several food chains forms a food web. So I hope your chapter. Aapko hoga. So, based on your in understanding of this chapter, you have to do the following exercise in your homework.